HDFC बैंक में एक सेल्स ऑफिसर क्या काम करता है जानेंगे आज के इस एपिसोड में, और ये पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है और देखना चाहते हो तो लिंक आपको ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलिएगा। पॉइंट नंबर एक हमारे पास है क्रेडिट असेसमेंट। देखिए, लोन वगैरह जब हम लेने जाएंगे या फिर आप एज ए सेल्स ऑफिसर लोन वगैरह की प्रोफाइल लेकर आते हो या फिर जो भी आप काम करते हो उसके रिगार्डिंग अगर लोन रिलेटेड आपके पास काम आ जाता है तो आपको क्लाइंट को असिस्ट करना जरूरी है। और दोस्तों साथ ही साथ ये सारी चीजें चेक करना जरूरी है कि हम जिस क्लाइंट को, जिस कस्टमर को लोन दे रहे हैं उसकी एक्चुअली क्या रेपुटेशन है, कितना वो व्यक्ति कैपेबल है लोन चुकाने के बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में। अगर आपको क्रेडिट असेसमेंट के बारे में बहुत डिटेल में जानना है तो आप गूगल भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, मैंने इसके बारे में डिटेल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ पॉइंट नंबर दो हमारे पास है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिए, जब आप किसी बैंक में काम करने जाओगे तो आपको कुछ पोर्टफोलियो मिलेंगे जो कि मतलब थोड़े तगड़े क्लाइंट्स के होंगे और आपको उन पोर्टफोलियो को मैनेज करना होगा कि सर आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, इतना हो चुका है या फिर इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, यहाँ इन्वेस्ट करना है, बहुत तरीके की चीजें होती हैं। ये मैंने बिल्कुल बेसिक वाली आपको बता दी है। और साथ ही साथ आपको उस क्लाइंट को ये भी सजेस्ट करना है कि बैंकिंग का ये प्रोडक्ट अच्छा है, आपको ये लेना चाहिए और ये प्रोडक्ट्स आपको बच के रहना चाहिए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड होता है कई बार या फिर और बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, सही चीजों को प्रेफर करना है, सही चीजों को बताना है और हाँ, उसके पोर्टफोलियो में जो नेगेटिव इंप्रेशंस जा रहे हैं, नेगेटिव चीजें जा रही हैं, उनको समझाते हुए रिमूव करवाने की कोशिश करनी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। अगर आपने आज तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और आपको जॉब मिलना तो बहुत दूर की बात है, कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, इंटरव्यूअर की कॉल ही नहीं आ रही, तो कैसे क्या हुआ? यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक है आपके रेज्यूमे की, यानी कि सीवी की। अगर आप कुछ इस तरीके का रेज्यूमे लेके मार्केट में घूमोगे तो भैया जॉब तो नहीं मिल पाएगी, इंटरव्यू तक चीजें नहीं हो पाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, एक अच्छा और एक प्रोफेशनल रेज्यूमे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, आपको तो कुछ पता नहीं है, इस वाले कॉन्टेक्ट नंबर में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एक्चुअली मैं ही बात करूंगा। तो हम आपको एक रेज्यूमे बना करके देंगे जिसकी कॉस्ट है 299 रुपीज एज अ फ्रेशर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो भी हम आपको एक बढ़िया रेज्यूमे बना करके देंगे, बट कॉन्टेक्ट करना जरूरी है, पूछना जरूरी है। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, रेज्यूमे आपका फर्स्ट स्टेप है। जब आपका पहला कदम ही सही हो जाएगा तो जॉब मिलने में भी बहुत सारी चीजों में आसानी हो सकती है। तो प्लीज इस चीज को इग्नोर नहीं करना, ऐसे अनदेखा नहीं करना है, कॉन्टेक्ट करना है। 299 रुपए को बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको एक प्रोफेशनल रेज्यूमे मिल रहा है, थोड़ी बहुत गाइडेंस भी मिल जाएगी। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, पॉइंट नंबर तीन समझते हैं। एंड पॉइंट नंबर तीन हमारे पास है सेल्स प्लानिंग। यार जिन कामों को ना हम प्लानिंग के साथ करते हैं उन कामों में हमें सीरियसली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो सेल्स कर लो या फिर आप ऑपरेशंस में बैठ के काम कर लो या कहीं भी काम कर लो, आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से अगर आपको एक सक्सेसफुल सेल्स ऑफिसर बनना है और वो भी HDFC बैंक में, तो आपको प्लानिंग करनी आनी चाहिए कि मैं आज इन लोगों से मिलूंगा, इनसे मुझे इतना काम निकालना है, या फिर कल मैं इन लोगों से मिला था और मेरा यहां से इतना काम निकला है। आपके पास सारा कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान होना जरूरी है। कई बार बने बनाए प्लान भी फेल हो जाते हैं, मतलब बारिश पड़ गई या क्लाइंट ने मना ही कर दिया मिलने के लिए, तो इसमें हमारा ऐसा कोई खास दोष नहीं है, बट हमारा प्लान रेडी है, प्लान ए रेडी है, प्लान बी रेडी है, बट हाँ हम प्लान से चल रहे हैं तो चीजों में मैक्सिमम रिटर्न हमें मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ पॉइंट नंबर तीन है रेगुलर फॉलोअप्स। बहुत सारी कॉल्स आती हैं, आपके पास भी आती हैं, मेरे पास भी आती हैं, ऐसे यूट्यूबर मुझे बहुत तरीके की कॉल्स आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई लोग अपने काम को लेके ना सीरियस ही नहीं है। मान लो किसी बंदे ने मुझे कहा कि भैया ऐसे ऐसे आपकी प्रोफाइल में क्रेडिट कार्ड दिख रहा है, आपको लेना है क्या? मैंने बोल दिया नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, जबकि मुझे ये नहीं पता कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो एज ए सेल्स ऑफिसर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट्स के फीचर समझा दो, किसी भी प्रोडक्ट्स का काम क्या है वो समझा दो, उसके बाद आपको फॉलोअप लेने की जरूरत है। दोस्तों एक लड़की शार्क टैंक में आई थी और उसने बताया पता नहीं कितने हफ्तों में जाके उसने एक सेल्स को क्लोज किया था और बोली कि पापा ने बोला करने का तो मैं लगी हुई थी, पता नहीं कितने हफ्तों में जाके उन्होंने सेल्स क्लोज किया था, आपने शायद देखा होगा वो एपिसोड, ठीक है। तो यार सेल्स में ना फॉलोअप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सेल्स में आकर के और फॉलोअप से शर्मा रहे हो कि यार हमने कल तो फोन किया ही था, आज फिर सेम बंदे को फोन करना है, आज फिर वो कल को डाल देगा, परसों को डाल देगा, तो भैया देखो आपको अपनी चीज बेचनी है, आपका यही काम है, आपका इसके अलावा कोई काम तो नहीं है, आपको एक्चुअली में फॉलोअप्स लेने ही चाहिए। और अगर किसी बंदे ने बोला है कि मुझे सुबह 10 बजे कॉल करना, तो 11 नहीं बजने चाहिए, 10 बजे ही आपको कॉल कर देनी चाहिए, ठीक है, फॉलोअप्स का मतलब ये होता है। या फिर अगर किसी ने बोला है कि आप मंडे में मिलना, तो आपको मंडे में मिलने जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मंडे में आपको जाना है, जाना, ठीक है, ये फॉलोअप्स है। दोस्तों इसी के साथ साथ पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग, यानी कि आपको अपने स्टाफ के साथ ट्रेनिंग करनी है, उनको चीजें सिखानी है, एजुकेट करना है। कई बार ऐसा होता है कि एज अ सेल्स ऑफिसर आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, मतलब ब्रांच में आप अकेले पढ़ रहे हो तो जो भी स्टाफ है सेल्स वाला,
आप थोड़े से अगर होशियार हो तो उनको भी गाइड करोगे, उनको भी एजुकेट करोगे, उनको भी सिखाओगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेल्स ऑफिसर, ठीक है। मतलब मेंटोर करना जरूरी है, एज ए मेंटोर भी आपको काम करना पड़ सकता है, तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझना भी जरूरी है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, बिल्कुल फ्री है। और साथ साथ पॉइंट नंबर 6 है, इवेंट हिस्सेदारी। यार बैंकिंग फील्ड में ना बहुत तरीके के इवेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एज ए बैंकर आपकी जो सोच है या फिर आपका जो काम करने का तरीका है उसको बहुत इनहेंस कर देते हैं। तो आपको ना बहानेबाजी नहीं करनी है, यानी नहीं मैं इवेंट्स में नहीं जा रहा या मेरा मन नहीं है या कुछ भी, आपको हर इवेंट्स को तरीके से फॉलो करना है, हर इवेंट्स में हिस्सेदारी लेनी है। एज ए सेल्स ऑफिसर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, आपका एक काम है, समझो बात को। अगर आपके शहर में कोई बैंकिंग से रिलेटेड, कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ करा रही है, ठीक है, तो आपको इस बातों में ध्यान रखना है और खुद को पार्टिसिपेट कराना ही कराना है। साथ ही साथ ये तो एक बात हो गई, दूसरी बात यह है, अगर आपको लगता है कि मैं किसी काबिल हूं और सीरियसली आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आपको ये भी कोशिश करनी है कि कई तरीके के इवेंट्स आपको खुद से ऑर्गेनाइज कराने हैं। और आपको ये भी कोशिश करनी है कि कुछ लोकल में हम सेमिनार करा लें, कुछ प्रोग्राम्स करा लें, जो कि मेरे हिसाब से जरूरी है एज ए सेल्स वर्कर, एज ए सेल्स प्रोफेशन में जरूरी है चीजों को सीखना, एक्सप्लोर करना। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 काफी मजेदार था, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, अगर आप इंडिया के किसी भी प्राइवेट बैंक में जॉब लेना चाहते हो तो वहां पर एक स्किल्स का आपके पास होना जरूरी है, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करना आना जरूरी है। सेल्स के फील्ड में तो देखो मेन चीज बोलना ही है, बात करना ही, तो आपको कम्युनिकेट करना आना जरूरी है। अब आप कहते हो कि भैया हमें तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक ईबुक है, 49 रुपए कॉस्ट है, बहुत ही कम है, प्लीज परचेज करो उसको जाके। और हाँ, एक दो बार अगर आप उसको पढ़ लेते हो सीरियसली बहुत कुछ सीख जाओगे। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 7 हमारे पास है, कस्टमर फीडबैक। यार हम अपने बहुत सारे कस्टमर्स का फीडबैक लेते हैं। मान लो जब हमने अपने कस्टमर का रेज्यूमे डिजाइन किया, ठीक है, और हम उनसे पूछते हैं कि भैया 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो या फिर 5 में से कितने स्टार रेटिंग देना चाहते हो, लोग हमें लिख के देते हैं कि 5 में से 5 दिया, 4 दिया, 3 दिया, या फिर 10 में से 9, 7, 8 तक हमें मिलती है एक्चुअली रेटिंग। हम रेज्यूमे की बात कर रहे हैं जो हमने ऐड किया था पहले। तो इस तरीके से आपने किसी कस्टमर के साथ कोई काम किया, उस कस्टमर को आपका काम करने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपकी सर्विस कितनी बढ़िया थी, ये सब कितना पसंद आया, आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है। उसने कहा कि मैं आपकी सर्विस को 10 out of 10 देना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया बात है, लिख करके रखो कहीं उसको, उसके ऑटोग्राफ लो उस जगह पे, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, बहुत तरीके हैं। इससे क्या होगा, आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा, ठीक है, आप अपने मैनेजर को दिखा सकते हो, देखो मैंने इतनी रेटिंग पकड़ी है। हमारे यहाँ पे जब सुबह सुबह कई बार गैस सिलेंडर वाला आता है, वो भी कहता है भैया रेटिंग दे देना, 5 स्टार दे देना, वो अनपढ़ है, उसको पता नहीं है, लेकिन उसको कहीं से तो बताया गया है कि 5 स्टार लेकर आओ कस्टमर से, सिलेंडर वाला रेटिंग मांग रहा है, तो आपको शर्म करने की जरूरत नहीं है। आपके तो क्लाइंट्स भी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत मालदार है, दे देंगे आपको रेटिंग, जरूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेटिंग ले ली, घटिया रेटिंग लेके आ गए। अगर किसी ने आपको निगेटिव रेटिंग दी है, मतलब किसी ने 10 में से 4 नंबर दिया, उसको थोड़ा सा पूछ लो, आप हमसे नाराज कहाँ हैं, प्लीज बताओ, आप हमसे इतना डिससेटिस्फाई कैसे हैं, 10 में से 4 क्यों दे रहे हो, कोई तो रीजन होगा, वो आपको बताएगा, उसको इम्प्रूव करो यार, ठीक है। हमारा काम है क्लाइंट को सेटिस्फाई करना एज ए सेल्स ऑफिसर, ठीक है, तो हम वही करेंगे। और दोस्तों फीडबैक को इकट्ठा करना जरूरी है, इससे आपका पोर्टफोलियो मजबूत होगा। अगर आप किसी दूसरे बैंक में भी जाते हो, HDFC को छोड़कर, या फिर कहीं भी जाते हो एज ए सेल्स पर्सन, एज ए सेल्स ऑफिसर, तो आप दिखा सकते हो कि हमने इतने लोगों के साथ काम किया है, इतने पॉजिटिव रिव्यू हमें मिले हुए हैं, आप प्लीज चेक कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स के मैं उदाहरण दे सकता हूँ जहां पर ऐसा कुछ मिलता है। इसी के साथ साथ लास्ट पॉइंट हमारे पास है, निगोशिएट करना, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बातों को समझाना, ये एक प्रोडक्ट है और ये भी एक प्रोडक्ट है, इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बढ़िया बढ़िया चीजें बताना, जो काम की चीजें हैं वो बताना, क्लाइंट को समझाना, बातचीत करना, इन सभी टर्म्स को हम कहते हैं निगोशिएट करना एज ए बैंकर, एज ए सेल्स ऑफिसर, ये आपकी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने जाकर के किसी बंदे को अप्रोच किया कि भैया ये मेरा एक प्रोडक्ट है, आप इसको प्लीज परचेज कर लो, बंदा छूटते मना कर देगा, क्यों, क्योंकि वो इसके बारे में जानता नहीं है। अब आपको उसको जानकारी करानी है, इसमें ये फायदा है, इसमें ये चीजें हैं, इसका ये नुकसान भी है, ठीक है, मतलब झूठ मत बोलो, सच सही बता दो। दोस्तों निगोशिएट करना जरूरी है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में अगर आपको यहां से नॉलेज कम मिली है तो आप गूगल भी कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे इन सभी को। दोस्तों अगर आपका किसी भी प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू है तो हमने इसके ऊपर 200 से ज्यादा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन 200 क्वेश्चंस का एक्सेस अगर आपको चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा 49 रुपीज, लिंक आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में, सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके परचेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको एक प्रोफेशनल रेज्यूमे बनवाना है तो ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट नंबर यही है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फीडबैक जरूर दो, नहीं पसंद आया तो भी अपना फीडबैक जरूर लिखें, बिकॉज हम आपके फीडबैक को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, इसी तरह के और भी वीडियोस देखने हैं तो वो भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। फिलहाल दोस्तों मेरा नाम जुनैद है, इस वाले वीडियो में इतना ही।